पितृपक्ष के दौरान गलती से भी ना करें ये काम, नाराज हो सकते हैं पूर्वज। नमस्कार, मैं दिव्य, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। वैसे तो हिंदू धर्म में हर पर्व त्यौहार और पूजा पाठ का अपना अपना अलग महत्व है, मगर पितृपक्ष बेहद ही खास और अहम माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत होती है और ये विशेष तौर से पूर्वजों को समर्पित है। इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होगा और इसका समापन 2 अक्टूबर को होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान अपनी अपनी तिथियों के हिसाब से पितरों को श्राद्ध किया जाता है। इसमें सबसे उत्तम तर्पण और पिंडदान को माना गया है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान हमारे पूर्वज आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। ये वो समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे में कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है, वरना पूर्वज आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए? तो पितृपक्ष में मांस मछली व शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ में लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी भी तरह की लड़ाई और झगड़े नहीं करने चाहिए। मन के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी शांत रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो इससे पूर्वज की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जिन्हें गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो नमक का दान कर सकता है, क्योंकि पितृपक्ष में दान का खास महत्व है, मगर नमक खरीदना इस अवधि में शुभ नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति का त्रिदोष लग सकता है। पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही नमक खरीद लेना चाहिए। इस दौरान नमक खरीदने से बीमारियां घर में डेरा डाल सकती हैं। साथ में सरसों का तेल भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे पितरों के साथ शनिदेव भी नष्ट हो जाते हैं। इस अवधि में झाड़ू भी नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू का संबंध भी माँ लक्ष्मी से बताया गया है। पितृपक्ष में झाड़ू खरीदने से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान सभी को सादा एवं सात्विक तरीके से रहना चाहिए। नए कपड़े या गहने नहीं खरीदने चाहिए और नई गाड़ी व नया घर या जमीन भी नहीं खरीदना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ सकता है। इस दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो सकती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को तर्पण देते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।